सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की जाती हैं और उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी पात्र लाभार्थी शासकीय योजना से वंचित न रहने पाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कार्य कराए जाए उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए। श्री पासवान ने यह भी कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों का शत प्रतिशत अनुपालन समयबद्धता के आधार पर अवश्य किया जाए। उक्त बातें सांसद कमलेश पासवान ने एनेक्सी सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का विधिवत समीक्षा किया तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध ढंग से दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। उरवा में धुरिया पार मार्ग की प्रगति धीमी पाए जाने पर अध्यक्ष द्वारा नाराजगी प्रकट की गई तथा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध समिति द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। कौड़ीराम से गजपुर मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिया गया। कौशल विकास मिशन की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 3 अगस्त को जनपद में एक वृहद रोजगार मेले के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में बताया गया कि जनपद में 1 अप्रैल 2022 में कुल 1,48,508 लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है, जिनका सत्यापन कराए जाने के उपरांत मृतक अपात्र कुल 5,626 पाए गए। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 20,452 नवीन लाभार्थियों की स्वीकृति करा ली गई है। इस प्रकार कुल 1,63,334 लाभार्थी हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रथम तिमाही में कुल 66,197 लाभार्थी को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 से 2021-22 तक कुल 52,085 आवास स्वीकृत तथा 51,626 पूर्ण हुए हैं तथा 459 अपूर्ण हैं। स्वच्छ भारत नगरीय के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में नगर निगम द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 30 सीट के पिंक टॉयलेट जो कि ओपन जिम वाले पार्कों में बनाए जाने हैं, जिसके लिए 6 पार्कों लाल डिग्गी, पंत पार्क, लक्ष्मीबाई पार्क, अम्बेडकर पार्क, वी पार्क एवं हालसीगंज पार्क का चिन्हीकरण कर लिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाए। इस अवसर पर सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ल ने सुझाव दिए कि जनपद स्तर पर हर कार्यालयों में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर बनाया जाए तथा उस पर कृत कार्रवाई का अंकन सुनिश्चित हो और इसकी मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किए जाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों का समयबद्ध ढंग से शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में सांसद खलीलाबाद प्रवीण कुमार निषाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉ. विमलेश पासवान, श्री राम चौहान, प्रदीप शुक्ल, कैंपरगंज विधायक प्रतिनिधि गणेश दत्त त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख गढ़ एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि गढ़ के अलावा मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, IAS प्रशिक्षु शांश्वत त्रिपुरारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस दिशा की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मंजिलाधिकारी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद बासगांव का मुख्य देखकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जिलाधिकारी सांसद बासगांव माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं। जिलाधिकारी महोदय, माननीय सांसद गोरखपुर का स्वागत करते हुए, लोक विकास अधिकारी महोदय नवीन नगर का और साथ में माननीय विधायक एकता बोलने के लिए रहे लोक विकास अधिकारी। माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह जी का स्वागत करने कष्ट रहे से लोग DM सर का
इसके बाद प्रमुख गणों का स्वागत करने का कष्ट है एक अद्भुत देकर सभी हमारे सामने है, सभी सम्मानित कर खुशी की बात है। नवरात्र में हम लोग ईशान बैठक कर रहे हैं, ये इस द्वितीय वर्ष का आपको नहीं बता दें कि द्वितीय वर्ष के दूसरा ये दूसरी बैठक है, एकदम इन टाइम बैठक रखा है। हमें एक बैठक जून तक करनी चाहिए और एक बैठक सितंबर तक करनी चाहिए, वो हम जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित रंची आदमी डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का भी मैं सभी जनप्रतिनिधियों का आदरणीय श्री प्रवीण साहब जी का, अपने सभी माननीय प्रदीप जी का, श्रीमानी पुजारी जी का, भास्कर उमेश जी का, बहन जी का, युति सिंह जी का सबका स्वागत करते हुए मैं पी साहब से अनुरोध करूँगा कि सर बैठे हुए वो लोग भी सोचते हुए कि सांसद जी एक ही काम के लिए पिछले दो साल से कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य एक काम नहीं हुआ। पिछली बार सांसद जी ने एफ आई आर करने के लिए भी कहा था सर, पिछले जब से वो सड़क बनी है तब से एक बार भी एक पावड़ा भी जितनी कहेंगे खांसी भी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। वो जब कॉन्ट्रेक्टर जब दबाव बनता है तो आप लोगों को बताता है कहीं बैठा दिया गया है, वो वहाँ पे हालत बेहद खराब हो सड़क की। पिछली बार भी आप लोगों ने यही कहा था कि सड़क को हम ठीक करा देंगे, लेकिन दीवार दीवार और फिर जब पब्लिक को हम कैसे नहीं, चार साल से मैं उस सड़क के पीछे पड़ा हुआ हूँ। आज बैठक आयोजित की जा रही है, वो दिशा की बैठक है जिसे हम जिला स्तरीय विकास एवं अनुश्रवण समिति कहते हैं, उसकी बैठक आयोजित की जा रही है जिसके अध्यक्ष माननीय सांसद बांसगांव हैं तथा सह अध्यक्ष माननीय सांसद सदर और माननीय सांसद संत कबीर नगर हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण सारे विभाग के अधिकारीगण होते हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजेंडा होता है उसी पर रिव्यू किया जाता है। अन्य कोई बिंदु अगर जो अध्यक्ष महोदय उनकी अनुमति से कोई अन्य बिंदु ऐड करना चाहें तो ऐड किया जा सकता है।